हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा होगी सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी शाम के 8 बज गए लगभग और हम लोग इस टाइम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए शाम की प्यारी प्यारी नमस्ते और जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हम कुछ बताना चाहते हैं कि आज हम वीडियो बना रहे हैं पिया सुवानी की वायरल होने की बारे में। सारा कुछ बताएंगे आज, कैसे वायरल हुए, कैसे उन्होंने गाना गाया, कैसे मतलब वो गाने पर वीडियो बनाई, और सारा कुछ आज सभी लोगों के लिए वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अंत तक वीडियो जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। तो चलिए वीडियो को सुन दोस्तों। कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कितने लोग, मैंने कितनी वीडियो देखी यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो कितने ज्यादा, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे तो मैंने देखी कितनी गंदी गंदगी सब लोग वीडियो बनाते हैं। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे, मतलब इतना गंदगी इस समय फैला रखे हैं यूट्यूब पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखना भी मन नहीं करता अब तो, कभी कभी के साला देखे ही नहीं। लेकिन वो भी पता है इतना सब गंदगी फैलाने के बाद में भी वायरल नहीं हो पा रहे हैं, पता किसी के भाई इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहे हैं जो आज वो लाखों में व्यूज पा रहे हैं, वो जो साले गंदगी कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, उनका 1000 भी व्यूज नहीं आता दिन भर में। तो आज उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ये गंदगी फैला रहे हैं और उनको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अभी चेत काफी दे रहा हूँ, सुधर जाए ना तर अंत में जाके बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी इस टाइम पे वायरल चल रहे हैं पिया सुवानी काफी ज्यादा अच्छी खासी बात है। चल रही वो आप सभी लोगों को पता है कि वो कितने गरीब परिवार से हैं, काफी ज्यादा मुसीबत उठाते हैं, जिनके घर में कभी कभी एक वक्त की रोटी भी नहीं होती है खाने के लिए वो। लेकिन वो सब ये सब जो आप लोग जो गंदा काम करते हैं ना, वो सब गंदा काम करके आप सब वो वायरल नहीं हुई। वो इज्जतदार परिवार से एक लड़की है और काफी गरीब लड़की है, वो समझती है कि इज्जत क्या होती क्या नहीं होती है। इसकी वजह से उसने जो वीडियो बनाई आप सभी लोगों के सामने करेंगे वो वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को भी देख लेना और उसके बाद आप सभी लोग समझ जाओगे कि जो आधा आधा कपड़ा पहन के और जो मतलब क्या बताए यार, साला बोलना है बेकार है बहन, जो क्या बोले वो सब बहन जो वायरल नहीं हो रहे हैं और जो अच्छा खासा मतलब वो कर लिया तब जाके वो वायरल हुई। इस बात को सब लोग समझ भी रहे हैं कि ये लड़की कितना मतलब साफ है और कितना अच्छा खासे कपड़े पहन के वीडियो बनाई। और खेसारी लाल यादव जी जो हमारे भैया हैं, मतलब हमारे गुरु या कुछ भी हो, मतलब काफी सुपर स्टार है इस समय, काफी ज्यादा उनका फिल्म और काफी ज्यादा गाना है, बहुत बड़े एक्टर है। उनके गाना पे पहले ये गाना ये जो बनाए थे जिस टाइम वो खेसारी लाल भैया, उस टाइम वो गाना फ्लॉप हो गया था। अब जाके वो इनकी वजह से वो गाना ट्रेंडिंग में आया, यू नो इनकी वीडियो उस गाने पर वायरल हुई। इन्होंने काफी भैया इतना टॉप का डांस किया जिसकी कोई हद नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको इनका डांस देखना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, हम सारा कुछ आप सभी लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू और करते हैं, आगे चल कर और कुछ भी बताएंगे। ये इतने छोटे परिवार से हैं, इतने गरीब परिवार से हैं कि आप सभी लोगों ने इनका घर तो देखा ही होगा कि क्या स्थिति है आप सभी लोगों के बीच में। और मतलब काफी बड़े बड़े यूट्यूबर काफी इनका इंटरव्यू लिए हैं, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर भी इनके घर पे गए हैं, कुछ सामान भी दिया, तो मतलब जिसपे जो बना वो सारा कुछ किया। लेकिन ये जो अभी जो वायरल हुई ना, ये अपनी मेहनत के चलते वायरल हुई है, काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत की जिसकी वजह से वायरल हुई। और काफी अच्छी लड़की है और काफी अच्छा मतलब वो नहीं है, काफी लोगों ने इनसे पूछा भी है कि आप छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियो बनाते हैं, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम हमेशा साड़ी में वीडियो बनाते हैं, जबकि हमारा अभी शादी भी नहीं हुआ। तो बाकी मैंने कहा अभी शादी नहीं हुआ, उम्र ही कितना है, छोटी सी लड़की है, ज्यादा उम्र की भी नहीं है। लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा मतलब इंडिया को सिखाया, हम लोगों को भी सिखाया कि कोई साधारण से कपड़े भी पहन के वायरल होता है। जरूरी है नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा कपड़े पहन के शरीर को दिखा के ही वायरल हो, ये जरूरी नहीं है। आप अगर साधारण कपड़े भी पहनोगे जो आपके सामने है वो सभी लोग आप सभी लोगों को दिखाएंगे तब भी आप वायरल हो सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पे जो यूट्यूब पे आ रहे हैं वो काफी घटिया घटिया वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, वायरल होने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपनी इज्जत खो चुका है, साला नरक हमारा हो गया जिन। और सबसे ज्यादा स्प्रेड आज के टाइम पे औरतें ज्यादा ही गंदी फैला रही है यूट्यूब।
तो सभी के लिए मेरी ये वीडियो चेतावनी है कि आप सभी लोग एक बार ये वीडियो भी देख लीजिए जो आज ऑल इंडिया में छाई पड़ी। अगर तुम्हारे चैनल पर 1000 व्यूज भी आते होंगे ना वीडियो पर, तो उनके प्यार 10,000 लाखों में व्यूज आ रहे हैं। इतनी मतलब संस्कृति है और इतना अच्छे परिवार से भी है, गरीब परिवार से, इसलिए इज्जत जानते हैं कि इज्जत क्या होती है। आप लोग पैसे वाले हैं तभी से साले गंदगी फैला रहे हैं, तुम लोगों को बोलने क्या बोले तुम। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करना। अगर मैंने सही बोला तो कमेंट करना, और गलत बोला तब भी कमेंट करना। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। और अगर वीडियो पे वायरल होना है तो ये गंदगी छोड़ दो, गंदगी मत फैलाओ यूट्यूब पे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, दुनिया देखती है कहाँ जाने कब किसकी वीडियो कब वायरल हो जाए। इसीलिए कहते हैं आपके घर परिवार भी देखते हैं, लड़के बच्चे भी देखते हैं, ये गंदगी मत फैलाओ। अच्छे खासे कपड़े पहन के वीडियो बनाओ, और पी एस वानी को देखो वो कैसे वीडियो बना रही है, कैसे वायरल हो गई। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो।